आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। हमने इंसानियत खोई इसलिए देश की सड़कों पर 8 करोड़ मासूम कुत्ते बिल्ली लावारिस भटक रहे हैं। अगर आप जानवरों को प्यार करते हैं तो आपको यह जानकर बेहद निराशा होगी कि हमारे देश में 8 करोड़ कुत्ते और बिल्लियां सड़कों पर लावारिस भटकने को मजबूर हैं। इन पालतू जानवरों में से करीब 85% ऐसे हैं जिन्हें पालने के बाद उनके मालिकों ने छोड़ दिया। इंसानों के दोस्त कहे जाने वाले इन पैट एनिमल की हालत भारत में सबसे ज़्यादा ख़राब है। आज हम इन मासूमों की बदहाली पर रिसर्च इंजन के इस एपिसोड में बात करेंगे। बोलते पलने के लिए इस रिपोर्ट को लिखा है गजेंद्र रिक्की ने और मैं यानी अमित कुमार ग्वाल इसे आप तक पहुंचा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। भारत में माने जाने वाले लगभग हर धर्म में पशुओं की सेवा का महत्व बताया गया है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति को पशु व प्रकृति प्रेमी माना गया है। अब भी कई हिंदू घरों में पहली रोटी गाय और अंतिम रोटी कुत्तों को दिए जाने की परंपरा निभाई जाती है। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद बिल्लियों को बहुत प्यार करते थे और इसी वजह से इस्लाम धर्म के मानने वालों का बिल्लियों से खास लगाव है। सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले भारतीय भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते पशु सेवा को महत्व देते आए हैं। मगर इन सब के बावजूद हमारे देश में ज़्यादातर पालतू जानवरों को सड़कों पर लावारिश भटकना पड़ रहा है। भारत समेत दुनिया के 9 देशों में पालतू पशुओं की स्थिति को लेकर जारी हुए पेट होमलेसनेस इंडेक्स से पता लगा है कि हम भारतीय अपने गलियों में घूमते कुत्ते बिल्लियों के प्रति सबसे ज़्यादा असंवेदनशील हैं। इस सूचकांक में भारत को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। देश में पालतू पशुओं को त्याग देने की दर बहुत ज़्यादा है। अध्ययन में शामिल हुए 34% भारतीयों ने स्वीकारा कि उन्होंने एक कुत्ते को त्यागा, जबकि 32% ने कहा कि उन्होंने एक बिल्ली को छोड़ दिया। भारत में अभी जो लोग कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं उनमें से भी 50% मालिक पूर्व में किसी कुत्ते या बिल्ली को छोड़ चुके हैं। ये मासूम कुत्ते बिल्ली सड़क दुर्घटनाओं या इंसानी क्रूरता का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। दूसरी ओर गली मोहल्ले व कॉलोनियों में लावारिश घूमते इन पशुओं की इंसानी भिड़ंत भी बढ़ने लगी है। इससे इन मासूम पशुओं के प्रति आम लोगों में नकारात्मक रवैया बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट का आकलन है कि भारत में 6.2 करोड़ लावारिश कुत्ते हैं जिनका घर गली मोहल्ले और सड़कें रह गई हैं। यही वजह है कि हम अपने आसपास सबसे ज़्यादा कुत्तों को देखते हैं। भारत में लावारिश भटकने वाले पालतू जानवरों में दूसरे नंबर पर बिल्ली है जिसकी तादाद 91 लाख है। देश में केवल 88 लाख बिल्ली और कुत्ते ही ऐसे हैं जिन्हें 135 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शरण मिली हुई है। यानी या तो ये पैट हमारे घरों में पल रहे हैं या फिर किसी सरकारी या गैर सरकारी पैट सेल्टर में इन्हें आश्रय मिला है। यह महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिकी पैट केयर मल्टीनेशनल फर्म मार्स पैट केयर के पैट होमलेसनेस इंडेक्स से मिली। अपनी तरह के इस पहले इंडेक्स को कई अग्रणी पालतू पशु कल्याण विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को 10 में से सबसे कम 2.4 स्कोर मिला है। भारत से बेहतर स्थिति मेक्सिको की है जिसे 3.9 अंक मिले हैं। इससे ऊपर 4 अंकों के साथ दक्षिण अफ्रीका है। इस सूची में 8.6 स्कोर के साथ जर्मनी टॉप पर है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जिसे 7 अंक मिले हैं और 6.4 अंकों के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। फिर आता है 5.4 अंक के साथ ग्रीस, फिर 5.2 अंक के साथ रूस और फिर 4 अंक के साथ हमारा प्रतिद्वंदी चीन। इस इंडेक्स में हमसे बेहतर स्थिति में है। यानी यूरोपीय अमेरिकी और तो और अफ्रीकी देशों में भी पालतू जानवरों के साथ ज़्यादा बेहतर व्यवहार हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत में 6.2 करोड़ लावारिस कुत्ते और 91 लाख लावारिस बिल्लियाँ हैं। लावारिस जानवरों की विदेशों में स्थिति देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अनुमानित 7.5 करोड़, अमेरिका में 4.8 करोड़, जर्मनी में 20.6 लाख, ग्रीस में 20 लाख, मेक्सिको में 74 लाख, रूस और दक्षिण अफ्रीका में 41 लाख और ब्रिटेन में 11 लाख बेघर कुत्ते और बिल्लियां हैं। यानी भारत में चीन से भी ज़्यादा लावारिस पालतू जानवर हैं, पर चीन में हमारे मुकाबले ऐसे जानवरों को ज़्यादा प्यार से रखा जा रहा है। इस रिपोर्ट के भारतीय संस्करण का नाम द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स डेटा फॉर इंडिया है, जिसमें भारतीय पालतू पशुओं की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के 61% लोगों का कहना है कि वे सामाजिक प्रतिष्ठा, सुविधाओं की कमी और लंबी दूरी जैसे व्यवहारिक कारणों की वजह से पशु चिकित्सक के पास नहीं जा पाते। यानी सीधी बात यह है कि अगर हम आम भारतीय जानवरों के डॉक्टर के पास जाने से कतरा रहे हैं
तो वह अपने पालतू जानवर का कितना ख्याल रखते होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया की बात करें तो पालतू पशुओं के इलाज को लेकर इस तरह के बहाने बनाने वाले लोगों का वैश्विक औसत सिर्फ 31% है, यानी भारत से ठीक आधा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लावारिस कुत्ते बिल्ली इतने ज़्यादा हैं कि देश की लगभग 68% आबादी यानी हर 10 में से 7 लोग सप्ताह में कम से कम एक बार लावारिस भटकती बिल्ली को जरूर देखते हैं, जबकि लगभग 77% आबादी यानी 10 में से तकरीबन 8 लोग सप्ते में कम से कम एक बार एक लावारिस कुत्ते को भटकता हुआ पाते हैं। इस विषय पर भारत में पशु अधिकारों की वकालत करने वाले एक गैर सरकारी संगठन पीपल फॉर एनिमल्स PFA की गौरी मुलेखी ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि भारत में हर 100 लोगों पर कम से कम 3 लावारिस कुत्ते हैं और त्यागे जा रहे जानवरों की बढ़ती आबादी बेहद चिंता का विषय है। अगर आप ऐसे जानवरों की दुर्दशा को देखकर परेशान हो जाते हैं और कई बार सोचते हैं कि काश आप कुछ कर पाते तो आज जानवरों के अधिकारों से जुड़ी कुछ जानकारियां जान लीजिए जिनके जरिए आप उन्हें कुछ हद तक न्याय दिला पाएंगे। भारत में जानवरों के अधिकारों के लिए प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 बना, जिसकी धारा 11(1) कहती है कि पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख और प्यास से मर जाने के मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ऐसे अपराध पर जुर्माने से लेकर 3 महीने की सजा का भी प्रावधान है। जानवरों के साथ पहली बार ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को ₹50 का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार जानवरों के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 तक जुर्माना और उसे 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इस कानून में दंड को लेकर जो प्रोविजन है वह जरूर आपको चौंका सकता है कि जानवरों के साथ निर्ममता करने पर सिर्फ ₹50 का जुर्माना ही लगेगा। ठीक यही मुद्दा पीपल्स फॉर एनिमल्स संस्था सरकार के सामने उठा रही है। इसके लिए एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू की गई है। इस संस्था से जुड़े पशु अधिकार कार्यकर्ता एशर जेसुडॉस ने हमारी सहयोगी शिवांगी को बताया कि कानून में बेहद कम जुर्माना होने से लोग आसानी से जानवरों पर अपराध करके छूट जाते हैं। एशर का कहना है कि अगर सरकार ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा व दंड तय करे और उन कानूनों का सख्ती से पालन भी कराया जाए तो पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता में कमी आएगी। इसी क्रम में आपको यह जानना भी जरूरी है कि जानवरों को लंबे समय तक लोहे की सांकर या फिर भारी रस्सी से बांधकर रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप जानवरों को घर के बाहर नहीं निकालते तो यह कैद माना जाता है। ऐसे अपराध में 3 माह की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब यह जान लेना भी जरूरी है कि गलियों में घूमने को मजबूर कुत्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जबरन भेज देना भी भारतीय कानून में अपराध है। गली के कुत्ते या स्ट्रे डॉग्स को भारत के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 के तहत सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए लावारिस कुत्तों को उनके इलाके से किसी दूसरी जगह कोई इंडिविजुअल या रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य या किसी स्टेट मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति भी नहीं भेज सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इंसानों की तरह ही कुत्ते भी किसी खास क्षेत्र व समाज में रहकर पले होते हैं। उनका शरीर और व्यवहार उस वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाता है। ऐसे में अगर हम उन्हें दूसरे इलाके में भेज देंगे तो वे असुरक्षित महसूस करेंगे। इस प्रतिक्रिया में वे हिंसक भी हो सकते हैं और उन पर किसी बाहरी पशु या इंसान के जरिए हिंसा भी की जा सकती है। इस साल दूसरी लहर के दौरान 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि कुत्ते एक इलाकाई प्राणी हैं, उन्हें उनके क्षेत्र या डेजिनेटेड एरिया के भीतर ही रहकर भोजन व देखरेख मिलनी चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग इस आधार पर कुत्तों को वहां से नहीं भगा सकते कि वे रेबीज फैला देंगे। अदालत ने कहा था कि कुत्ते के रेबीज का टीका लगवाना भी उस मोहल्ले या रेजिडेंट सोसाइटी की जिम्मेदारी है जहां वह रहता है। अपने लैंडमार्क जजमेंट में अदालत ने स्पष्ट कहा कि समुदाय में रहने वाले पालतू जानवरों विशेषकर कुत्तों को भोजन का अधिकार है और स्थानीय लोगों का अधिकार है कि वे अपने इलाके के कुत्ते व दूसरे लावारिस जानवरों की सेवा करें।